रुक जा और रुक जा, फिर तुम लोग अरे यार निकाल से। तो दोस्तों ये हालत है, आप क्या देख सकते हैं, तो ये ट्रैक है जाते समय चढ़ाई है, आप भी कोई इजी नहीं है। तो दोस्तों ये हरी हरी घास होती है छोटी छोटी बुग्यालों में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सेवन सलाम, आशा कि आप सभी लोग राजी खुशी होंगे। तो दोस्तों आज वापस जाएंगे हम रास्ते से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग है कि हम रास्ते से गुजर रहे हैं और सभी दोस्तों ने डिसीजन लिया कि आज कुछ एक नया शॉर्टकट निकालते हैं, क्योंकि डाउन जाने के लिए हम कहीं से निकल जाएंगे, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, कभी कभी पहाड़ियों को भी पहाड़ पर दिक्कत हो जाती है, लेकिन हमें लग रहा था हम निकल जाएंगे शॉर्ट में, क्योंकि लॉन्ग जाने और शॉर्ट जाने में अंतर इतना था। लॉन्ग जाने में लगभग हमें 6 किलोमीटर चलना पड़ा था, जबकि उसी को शॉर्ट करते तो लगभग वो हो जाता हमारा 1.5 किलोमीटर, तो मतलब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा था। तो सभी दोस्तों ने सोचा क्यों ना हम 4 किलोमीटर पैदल चलने की कोशिश करें। तो चलो दोस्तों, लेट्स गो। तो हमने सोचा थोड़ा सा एक वीडियो इसका बना दें। तो ये हमारा शॉर्टकट है दोस्तों, हमें सीधे डाउन निकलना है यहाँ से, और पहले के रास्ते का भी हमें कोई पता नहीं था, तो सबका डिसीजन ये था कि निकलते हैं नीचे। और अभी हम बुग्यालों में हैं, तो दोस्तों अभी उतर रहे हैं हम बुग्यालों से। ये हमारा एक रास्ता ऐसा कि जो रास्ता नहीं है, हम पहाड़ी होते हुए इसका फायदा उठाने की कोशिश करें, अब देखते हैं क्या होता है, फिर आगे मिलते हैं। रोड में अगर पहुंच जाएंगे तो ठीक है, मतलब पैदल मार्ग, रोड मतलब पैदल मार्ग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे छोटे ब्लू कलर के फूल। हमें निकलना है नीचे ट्रीज एरिया में, यदि हम ट्रीज एरिया में पहुंच जाते हैं यहाँ से तो फिर हमें संतुष्टि होगी। अभी हमारे चारों ओर देख सकते हैं आप पहाड़। दोस्तों ऐसे चट्टानों से उतरना पड़ता है, विश्वास जाते हुए नीचे रोड, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर निकल रहे हैं, दोनों ओर से चट्टाने हैं तकड़ी वाली। तो देखते हैं, चलो चलते हैं आगे, बिल्कुल जंगल के बीच में यहाँ चट्टान, इधर एक चट्टान, ये चट्टान, और रास्ता अभी सही नहीं मिल पा रहा किसी को भी। चलो देखते हैं इसे, रास्ता निकल रहा शॉर्ट वाला, शॉर्ट जाने के लिए कुछ मेहनत और कठिनाई को सामना तो करना ही पड़ता है दोस्तों, क्या करें। गालियों में थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये घास होती है कहीं पर, और अगर गलत जगह, अगर टेढ़ी ऊबड़ खाबड़ जगह पर अगर पाँव गलती से गिर गया, ऊबड़ खाबड़ जगह पर गलती से पाँव पड़ गया तो पाँव मुड़ सकता है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा हमें देखे चलना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे डेंजर है जहाँ पर मेरा ये दोस्त जा रहा है प्रदीप, जैसे भी जा रहे हैं हम लोग, जहाँ से हमें लग रहा है यहाँ से रास्ता नहीं होगा। सभी लोग खड़े होकर वहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं कि क्या होगा, और फिर कुछ लोग कुछ लेफ्ट साइड जा रहे हैं, कुछ राइट साइड जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से निकलने के लिए है, तो फिर कोशिश करके निकल रहे हैं दोस्तों नीचे। आने वाले समय में देखो ऐसे रास्तों से निकलना पड़ेगा दोस्तों हमें नीचे। तो दोस्तों आने वाले समय में यहाँ सुंदर फूल खिल जाएंगे। यदि इस प्रकार का जाने के लिए रास्ता होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि खड़ी चट्टान हो जाएगी जहाँ कोई घास ना हो तो थोड़ा जाने के लिए दिक्कत होगी। अब ऐसे एरिया देखकर लग रहा है कि हम नीचे जल्दी से पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों वो टीच एरिया दिख रहे हैं नीचे, हमें अभी वहाँ तक गुजरना है। चलना कुछ आसान नहीं होता है, ये जगह आप देख सकते हैं, उस हाली में जगह जगह पर ढंग से पाँव रखने पड़ते हैं, तो जाके कोई इंसान आगे बढ़ सकता है।
तो दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ। और नीचे कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, कुछ आशा दिख रही, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान है जिसको हमें जिस चट्टान से हमें ऊपर निकलना है अभी, तो देखते हैं अभी। और यहाँ पर सबसे डेंजर है जहाँ पर से मेरा ये दोस्त जा रहा है प्रदीप। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर पहले बकरी रही है किसी की, जहाँ पर हम बैठे अभी। तो अब हमें लग रहा है कि हम निकल चुके हैं और एक रास्ता मिलेगा हमें यहाँ पे भी। सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं दोस्तों अभी यहाँ, धीरे धीरे भुग्यालों में ये नीले पीले सभी फूल सुंदर खिल जाएंगे और भुग्याल हरा भरा और अब दोस्तों रास्ते में पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमें लग गया है एक फुटपाथ पे पहुंच गए हैं लगभग, तो जहाँ से परसों निकले थे। तो ठीक दोस्तों, जूते भी हम पहुंचेंगे वापस ही, देखते कहाँ क्या क्या होता, आपको बताता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे साथ, थैंक यू। हम अपनी मंजिल में पहुँच गए हैं, अब पैदल चल रहा है, तमाम अपटीज एरिया में हैं दोस्तों हम, तो यहाँ से चलना है। दोस्तों मेरे दोस्त यहाँ पहुँच चुके हैं, मुझे देखो मैं कितना पीछे छूट चुका हूँ। ये चट्टान मैंने जाते हुए भी दिखाया था आपको, ये ऊपर, और ये देखो ये लोहा का जंग जैसा लगा होता है इन पत्थरों पर, तो इससे ऐसा लग रहा है यहाँ लोह की मात्रा हो सकती है। ये मेरा अपना आइडिया है, पहुँच चुके हैं आज सुबह से भूखा ट्रैक है आज, क्योंकि चलना भी जरूरी था और लगभग उस गधेरे में पहुँच चुके हैं जहाँ हमने परसों तो देख रहे होंगे मेरे दोस्त बैठे हैं अभी यहाँ पर। और आसमान बिल्कुल आज साफ, धूप निकल चुकी है, लेकिन दोस्तों जो ही ऊपर पहाड़ों में जाते हैं, ऊपर ही समुद्र तल से और ऊंचाई, समुद्र तल से दोस्तों जो ही समुद्र तल से और ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ बिल्कुल 5 सेकंड बाद धूप गुम हो जाती है, फिर 5 सेकंड बाद आ जाती है, पता नहीं चलता दोस्तों आसमान आज कैसा रहेगा। सच्ची बता रहा हूँ आपको, कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि एक तरफ से धूप चल रही है, दूसरी तरफ से बारिश आ रही है। हकीकत बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी तो खड़ी वाली बारिश, तो फिर डाउन में सभी दोस्त स्पीड से आ रहे हैं, मैं पीछे छूट गया हूँ ज़रा। ये है रास्ता दोस्तों आगे निकल का, लगातार इसी टाइप का बहुत दूर तक रास्ता मिलेगा, आपको दिखाऊंगा सीधे नदी के किनारे। तो मुझे भी थोड़ा सा चलना पड़ रहा था, इसलिए कैमरा मूव हो रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा गौर नहीं करना। मेरा मकसद था कि रिकॉर्डिंग होती रहे, मुझे चलना भी है और रिकॉर्डिंग भी करनी है दोस्तों, क्योंकि मुझे सफ़र का पूरा वीडियो बनाना है दोस्तों। और लगभग जून में है, तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा मौसम सही रहता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। जैकेट दोस्तों दो 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 पहने पड़ते हैं, चलते चलते पसीना आती है, चाहे डाउन में चलो आप चाहे चढ़ाई में चलो आप, चलते चलते पसीना आ जाती है। सच कहानी बताऊँ तो मैं चलते चलते 5 बार आती है पसीना और 5 बार सूख जाती है, और इसका एक ही इलाज है, हम सबको अपने पास एक सॉफ्ट वाटर की बॉटल रखनी होती है और हल्के हल्के सिर्फ मार के चलना पड़ता है दोस्तों। जैसे भी पानी पीने का मन करे, पानी पीते हुए चलना ही पड़ता है, क्योंकि पूरा दिन चलना ही गुजर जाता है दोस्तों। सबसे डेंजर जोन है यहाँ का, उसी दिन नदी दिखती है नीचे, अब देख लो और यहाँ से अगर कोई नीचे गिरा तो समझो कि भाई बोलने के सिवाय कोई और चारा नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं कह रहा था जून का महीना है, लेकिन आप देख रहे हैं रोडोडेंड्रॉन, मतलब पुरांस खेल रखे हैं दोस्तों यहाँ,
चलते हैं। यहाँ पे दर्शन भाई मजाक कर रहे हैं हमारे किसी ट्रैकर से, यहाँ पे दर्शन भाई जो उल्टे चल रहे हैं किसी ट्रैकर से मजाक कर रहे हैं हमारे। तो मैं उल्टे में चल रहा हूँ, तू उल्टे में चल। यहाँ देखो, ये देखो आप ट्रैकिंग देख सकते हैं, इस टाइप की ट्रैकिंग, अनूठी ट्रैकिंग। ये उल्टे में चल रहे, देखो ये देख सकते हैं आप। और मैं तो उल्टा भी चल पाऊंगा कुछ इस प्रकार की हरकत, क्योंकि टूर की ट्रैकिंग पर चार चांद लगा देता है। दोस्तों चलते चलते हालत खराब हो जाती है, जैसे सबकी होती है, लेकिन एक कैमरा ऐसा काम होता है दोस्तों, जब आप थके हों या आपके साथ कोई भी कंडीशन हो, आपको शूट करना होता है। जब आप ऐसे तमाम कंडीशन को समझकर छोड़ देते हैं शूट करना, तो शायद अच्छा वीडियोग्राफर फोटोग्राफर नहीं कह जा सकते। मेरे दोस्त काफ़ी आगे पहुँच गए हैं देख सकते हैं आप, लेकिन मुझे शूट करना पड़ा उनको भी, जब मैं बहुत पीछे देख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों चलते आगे, यही फोटोग्राफी होती है दोस्तों। तो दोस्तों लगभग डाउन वाला रोड ख़त्म हो चुका है, थोड़ी थोड़ी चाय और या कुछ मैगी वगैरह ले लें दोस्तों, कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सोच रहे हैं सब लोग, क्योंकि बहुत भूख लग चुकी दोस्तों। फिर आ गए हम नदी में, से प्रस्थान होना है जल्दी, सब लोग तैयारी करना शुरू कर लिया सबने, और इसके बाद नदी क्रॉस करेंगे। तो करते हैं तैयारी चलने की। नदी का नज़ारा भी बड़ा सुंदर है दोस्तों, बिल्कुल साफ पानी बह रहा है। मैं भी निकल रहा हूँ दोस्तों, भी इसी रास्ते से निकलूँगा और इसी सुंदर नदी के किनारे किनारे निकलूँगा। जानवर अपनी स्किन रगड़ते हैं खुजली कम करने के लिए। दोस्तों पहले ही हम स्टॉप से यहाँ नीचे उतर चुके हैं, तो बताऊंगा आपको आगे जाके कैसे कैसे गए हम, कैसे आए। तब तक के लिए आप बने रहे, मेरे दोस्त काफ़ी आगे निकल चुके हैं और फिर मैं पीछे छूट जाऊँगा। पहुँच गए हम अपने जंगल के रास्तों में। आओ आओ। तो दोस्तों भोले भाले। तो चाहे जाते समय हो भोले भाले लोग यहाँ के अतिथि का कम मान करें, जो निर्मल निश्चल प्रेम सभी पर बरसाए भर। और अभी हमारा सफ़र काफ़ी है मेरे मित्रों, सीधा चलना लेकिन बहुत चलना है दोस्तों। और मैं रिकॉर्डिंग करते करते बहुत पीछे छूट रहा हूँ। से जुड़ी रीत यहाँ की दिल में घर कर जाए, हाय रे दिल में घर कर जाए। झर झर झरने गीत सुनाए,
पसीने दोस्तों का ट्रैक में पसीने नहीं आता, फायदा क्या है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, 70-50 बार पसीना आती है। और जो लोग नहीं है ट्रैकिंग के लिए, उनके लिए एक मैसेज है, यदि ट्रैकिंग के दौरान आप लोग बार बार पानी नहीं लेते हैं, जो शरीर का पानी निकलता है, अगर रिप्लेस नहीं करते आप लोग, तो आपको डिहाइड्रेशन भी होता है। और ये वीडियो बनाने का समय यही मकसद है, आप सभी लोग कम से कम सब सब पानी ले आए, ताकि शरीर तंदुरुस्त बना रहे और ट्रैक का भरपूर आनंद आए। जय जय भारत। आगे मिलते हैं दोस्तों, बहुत थकान लग चुकी। मैंने थोड़ा अपने दोस्तों रमेश नेगी से कहा, थोड़ा मनोज नेगी से कहा मैंने, थोड़ा आप कुछ बोल दो। ये हालत ख़राब हो रखी, आप देख सकते हैं भूखे जानवर हो सकते हैं। ये ट्रैक है जाते समय चलाई, जिन्होंने आते भी कोई खाया नहीं होगा, ये नेगी जी मेरे साथ, या कोई नेगी जी कुछ बोलने के लिए भी असहाय है, अपंग जानवर हो सकते हैं, हमला कर सकते हैं। थकान देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ी मुझे, क्योंकि सभी लोग पसीने से पतन सब ये है कि, और अभी ये मेरा बाल ट्रैक का जो पसीने से गीले हो गए हैं, तो अभी जो ट्रैक है वो बिल्कुल इजी है, इसमें सबको तेज चलना चाहिए, सबका यही उद्देश्य है। और मैं अकेले छूट चुका हूँ, वीडियोग्राफी के लिए अगर कहीं पर 5-10 सेकंड, लेकिन करो क्या दोस्तों, या 20-30 सेकंड होना आपको पता है, 20-30 सेकंड रुक जाता हूँ, बहुत सीमित काम होता है। अगर मैं इस चीज़ को कवर नहीं करूँगा चाहते हैं तो मैं कुछ और चला भेजूँगा 50-100 मीटर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको, कैमरा खोल देता हूँ। ये हाथ मेरे दोस्त बहुत आगे, नाक से पानी, आँख से पानी, ऐसे में